नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूँ आपके साथ गुलिस्ता। तो आज हम बात करेंगे मौसम की। तो आपको बता दें कि सबसे पहले आज छठ का आज पहला दिन है, छठी मैया आज से ही आना शुरू कर देंगी। और आपको बता दें कि दिवाली के बाद से देश में जो तापमान है वो काफी ज्यादा उसमें बदलाव देखने को मिला है। दिवाली से पहले जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर तरफ कोहरे की जगह पे एक प्रदूषण की जो चादर थी वो पूरी फैली हुई थी, और अब हर तरफ सिर्फ कोहरा देखने को मिल रहा है। ठंड जो है, ठंड में भी काफी बदलाव आई है, तापमान में भी काफी गिरावट हुई है, और उसके साथ ही सुबह और रात के वक्त काफी ज्यादा ठंड हो रही है। और दिन के वक्त अगर हम बात करें तो दिन में थोड़ी सी धूप है वो देखने को मिल रही है हमें अब ठंड। वही दूसरी ओर मौसम विभाग ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में, आपको बता दें ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि बंगाल की खाड़ी में बना गहरे दबाव का क्षेत्र शुक्रवार यानी कि आज चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है और बांग्लादेश तट को पार कर सकता है। और इसके अलावा मौसम विभाग ने ये भी बताया कि कई राज्यों में भारी बारिश संभावना जताई। अब इसके साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और एनसीआर में आज यानी कि शुक्रवार को अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो वो 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहने की संभावना जताई जा रही है। और गुरुवार को जो था ये अधिकतम तापमान 26 डिग्री रहा, तो वही बुधवार को अब तक सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया और एक ही दिन में 3 डिग्री की गिरावट भी दर्ज की गई है। और उसकी वायु गुणवत्ता की अगर हम बात करें तो गुरुवार को वायु गुणवत्ता में उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं और जो AQI था वो बहुत खराब दर्ज किया गया। अगर हम AQI की बात करें तो कैसे हम AQI को हम कैलकुलेट करते हैं कि ये AQI खराब है या ये नॉर्मल है, खराब है बेहद खराब है। इसकी अगर हम बात करें तो AQI अगर 0 से 50 के बीच है तो वो अच्छा है, लेकिन अगर 51 से 100 के बीच उसको हम संतोषजनक मानते हैं। 1 से 200 के बीच अगर AQI पहुंचता है तो वो मध्यम होगा और 201 से 300 के बीच जाएगा तो वो खराब हो जाएगा। और 301 से 400 के बीच अगर AQI पहुंचता है तो वो बेहद खराब माना जाता है और 401 से 450 के बीच उस स्थिति को गंभीर मानी जाती है। और अगर उससे भी ज्यादा 450 के ऊपर जाता है तो वो अति गंभीर श्रेणी में AQI है वो आना शुरू हो जाता है। अब उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे जो ठंड ने दस्तक दे दी है और सुबह और रात के वक्त जो है वो ठंड हम महसूस कर रहे हैं। काफी ज्यादा लोग जो है वो गर्म कपड़े पहन के घूम रहे हैं, कंबल निकल चुके हैं अब। लेकिन दोपहर के वक्त में उसी अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो काफी धूप हो जा रही है, लोगों को सर्द गर्म जो है उससे जूझना पड़ रहा है। काफी ज्यादा ठंड महसूस हो रही है लेकिन दिन में धूप निकल जा रही है। उत्तराखंड में गुरुवार को अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो सामान्य से 3 डिग्री से ज्यादा अधिकतम 28.5 डिग्री और न्यूनतम पारा 10.8 डिग्री दर्ज किया। और वही मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल मौसम में किसी तरह का बदलाव की उम्मीद नहीं है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने के नजारे मिल सकते हैं। और मौसम विभाग ने जो चक्रवाती तूफान को लेकर कहा है कि गुरुवार को दबाव क्षेत्र में मौजूद मजबूत होकर गहरे दबाव को क्षेत्र के रूप में ले लिया गया और वही 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में जो चक्रवात है वो उत्तर पूर्वी दिशा में बढ़ रहा है। और गुरुवार सुबह 8:30 बजे ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में के पूर्व दक्षिण पूर्व के करीब 390 किलोमीटर और उड़ीसा में पारादीप के दक्षिण दक्षिण पूर्व में 320 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी इसके आगे की अगर हम बात करें तो भारत के जो मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि इस तंत्र में जो ये जो चक्रवाती तंत्र चल रहा है इसमें पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों जैसे कि त्रिपुरा और मिजोरम में भारी बारिश होती है और नागालैंड, मणिपुर, असम और मेघालय में शनिवार तक बारिश होती, मतलब बारिश हो सकती है और वो शुरू होते के साथ शनिवार तक बारिश होती रहेगी। और अगर हम दिल्ली की NCR की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो हम दिल्ली की तरफ भी आ जाते हैं कि दिल्ली में जो कोहरा है वो छाया हुआ नजर आएगा। मौसम विभाग के मुताबिक 17 नवंबर न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया और आने वाले दिनों में दिल्ली के तापमान में मामूली गिरावट देखने को मिल सकती है, कुछ खासा हमें नहीं मिलेगी गिरावट देखने को।
अब यूपी की दोबारा से अगर हम बात करें तो मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री रिकॉर्ड किया जा सकता है। लखनऊ में आज कोहासुरी के साथ साथ कोहासुन जो है कोहरे की शुरुआत हो चुकी है। अब छठ पूजा पे अगर हम बात करें कि छठ पूजा में वेदर का हाल कैसा रहेगा, तो स्काईमेट वेदर के मुताबिक शुक्रवार को दक्षिण बांग्लादेश और दक्षिण पूर्वी पश्चिमी बंगाल के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं तटीय और दक्षिणी तमिलनाडु और केरल में हल्की बारिश हो रही है। अब आसार तो नजर आ ही रहे हैं और इसके साथ ही दिल्ली के साथ ही यूपी के भी कई इलाकों में जो तटीय इलाके हैं जहां पे चक्रवात के टकराने की उम्मीद जताई जा रही है, वहां पर भी जो है बारिश की अच्छी खासी उम्मीद जताई जा रही है। तो फिलहाल के लिए अभी इस लाइव में और इस मौसम के अपडेट्स में इतना ही। आपके इलाके का मौसम का हाल क्या है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।